सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने आंवले निकाल दिए हैं। और एक बात बता दो, आंवले का पेड़ बहुत ही कच्चा होता है, इसमें थोड़ा तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल केदार घाटी पे। तो आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा, कल वाले ब्लॉग में हम यहाँ मंदिर में जा रखे थे, जो यहाँ का मंदिर है। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा मामी के साथ, मतलब आगे खेत में, वहाँ आंवले लेने हमने। तो आज का एक पहाड़ी ब्लॉग फिर से आप लोगों के सामने, और आज के ब्लॉग पे बने रहे और दिखाएंगे पहाड़ों की लाइफ स्टाइल, मतलब पहाड़ में यहाँ कैसे खेत है, कैसे यहाँ का रहन सहन है, सब कुछ आपके ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। और आंवले लेने जाएंगे हम वहाँ सामने, आंवले के पेड़ भी दिखाएंगे कैसे रहते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ इतने पेड़ रहते हैं यहाँ खेतों में, इतने पेड़ ऐसे। तो चलो बने रहे ब्लॉग पे, मिलते हैं अब आपके आपको। सो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, बहुत बड़ा आम का पेड़ है। अभी तक वो पेड़, जहाँ हम बचपन में आते थे ना यहाँ, तो इस पेड़ से बहुत आम निकालते थे। तो ये पेड़ अभी तक देख सकते हैं, इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे के लिए बोलते हैं लूरी। तो इस वाले पेड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह। और यहाँ देख सकते हैं गंगालों में, मतलब इतने पेड़ होते हैं ना खेतों में, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ देख सकते हैं खेतों में कितने पेड़ है घास के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं, ये आंचल आंचल को पहचानते हैं। और ये है हमारे मामी जी, मामी हाय का। तो ये है मामी जी, तो मामी जी का लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह से। जो आप मामी जी के हाथ में है वो दरांती है, और उसको बोलते हैं जूड़ा। उसमें लाएगी घास, जो ये होता है ना ये डाला, इनको काट के इसमें लाएगी। तो ऐसे लुक रहता है पहाड़ों का, देख सकते हैं। और बने रहे आज के ब्लॉक में। और वहां ना एक आंवला का पेड़ भी, आंवला भी निकालेंगे हम, तो देखते हैं। तो यहाँ नीचे जाना इस वाले रास्ते से, और यहाँ देख सकते हैं एक खास बात, आपको देख सकते हैं यहाँ पेड़ देख सकते हैं खेतों में कितने पेड़ है। तो ये वाला रास्ता हमने इस वाले रास्ते जाना है, पता नहीं कहाँ होगा नानी लोगों का खेत। तो यहाँ से कोई आ भी रहा है सामने से, हम उस वाले मंदिर में जा रहे थे सामने, यहाँ से दिख रहा है। आज हम इस साइड आ रखे हैं, तो ये देख सकते है। सो दोस्तों, अभी हम ना काफी आगे आ गए, और मतलब लगभग पहुंचने वाले हम छानी पे, जहाँ पे मामी लोगों की छानी है जो आगे। तो आगे वाले छा, एक तो घर पे है और एक यहाँ भी थी, जहाँ बचपन में तो उसी छाने में आ रहे थे। और एक पहले वाला ब्लॉग देखोगा आपने, पांडव नृत्य वाला, उस टाइम आ रखा था मैं चैनल पे, वाला ब्लॉग है। तो उस टाइम भी आ रखा था मैं, उसके बाद अभी आया मैं इस गाँव में। तो देख सकते हैं यहाँ भी काफी मकान है, इतने दूर दूर तक लोग। तो दोस्तों, अभी हम काफी आगे आ गए, यहाँ से देख सकते हैं कैसे जंगल है ऊपर, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है। और सामने वाला गांव जो देख सकते हैं कंडाली, ए भाई इसको कंडाली जी ने, तो वह कंडाली एक गांव है ना, जो मेरे नानी का गांव है वहाँ का नाम झीली है, और सामने कंडाली कुछ उस तरह से देख सकते है। और यहाँ देख सकते कितना खतरनाक है, यहाँ तो मुझे बचपन की याद फीलिंग आ रही, बचपन वाली, बचपन हम कैसे आते थे इस वाले रास्ते से भयंकर। तो बहुत ही मजा आता था भयंकर उस टाइम। तो अभी बचपन की यादें ताजा कर दिया आज हमने। तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे कुछ इस तरह से है, और यहाँ के खेत देख सकते, खेतों में कितने पेड़ है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ घास नियार की कमी नहीं रहती, गायों के लिए चारा भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और सामने से देख सकते है, तो नानी जी को गौशाला, जो पुरानी छानी यहाँ आगे पे, यहाँ पे और इस मकान के जस्ट उधर पे हमने जाने, यानी नीचे खेत में अभी चारा लेने। ये सब देख सकते हैं यहाँ पे गोबर, तो यहाँ से जाना हमने। तो मामी अभी हाथ में ना गोबर ले जा रही है खेत के लिए, देख सकते हैं। माई तक कानूनी मिले रे, यहाँ पे देख सकते हैं पानी का कुआं। और यहाँ पे हर टाइम पानी आता है, तो गर्मी में भी सर्दियों में भी आप देख सकते हैं। और ये खेत में अभी मामी जी ने खोल दिया है कुछ इस तरह से, और ये पूरा खेत में जाएगा अभी पानी। यहाँ पे लहसुन प्याज कुछ इस तरह से लगा रखा है, तो ये भी अच्छा है ना। चल वैसे तो यहाँ पे देख सकते प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति की देन है सब कुछ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं आपको। ये मेरे हाथ देख सकते, दरांती कुछ इस तरह से रहती है। अभी मामी जी ने वहाँ खेतों पे पानी लगा रखा है, अभी हम जाएंगे यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आंवले का पेड़, कुछ इस तरह से रहता है आंवले का पेड़। आप देख, इस पे तो अभी एक भी नहीं है। तो मिल गया हमें आंवले का पेड़, ये है यहाँ पे आंवले का पेड़। और यहाँ पे देख सकते कितने आंवले है इस पर, भयंकर ऊपर। ये है आंवले का पेड़ यहाँ पे, इस पर देख सकते है कितने भयंकर आंवले है। तो मैं चाल चाल भाई देख सकते कितने भयंकर आंवले है इस वाले पे, इससे निकालेंगे हम आंवले। तो दोस्तों अभी माँ भी जा रही है इस पेड़ पे, इसको यहाँ से काटेगी क्योंकि आगे इसकी तने जो होते है बहुत पतली होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और इस ये देखो सामने आंवले। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ बहुत आंवले निकाल दिए मामी जी ने, ऊपर से देख सकते हैं। ऊपर कहाँ जा रखे मामी, जा रखे ऊपर उस वाले फांगे पे। तो ए भाई तेरा तोड़ना, हाँ मुझे गोड़ पहन कर, हम पहन खिला था छोड़ दो, तेरा छोड़ दो खाल, तो गोड़ पहन कर दो। सर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने आंवले निकाल दिए हैं, और अंकुर उस टहनी पे लटका हुआ है, उस वाली टहनी पे बहुत सारे आंवले हैं, तो उसने उसे पकड़ा हुआ है और अब हम वहीं से निकालेंगे सारे आंवले। और मामी यहाँ पेड़ पे चढ़ी हुई है। दोस्तों देख सकते हैं ये आंवले का पेड़, मैं वहाँ से ऊपर से खींच रहा था, ये टूट गया। और एक बात बता दो, आंवले का पेड़ बहुत ही कच्चा होता है, इस पर थोड़ा सावधानी से जाना पड़ता है। तो देख सकते हैं वहाँ से टूटा हुआ मामी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ के आंवले बहुत बड़े, जैसे कि हमने आंवले अभी निकाल दिए, इस पे इतना निकला आंवले, मतलब 3-4 किलो फिट आंवला निकाल दिए हमने। और मामी जी देख सकते है ये ऊपर जा रहे पेड़ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मामी कितने बड़े पेड़ पे जा रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसा जीवन होता है पहाड़ों का, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये किस एक माई भ्यूंग बोलते हैं इसको पहाड़ों में, भ्यूंग खड़ी ऐसे यही होता है गंगाड़ों में, हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ बांध ऐसे पेड़ होते हैं। तो ये पेड़ देख सकते नीचे से कितना बड़ा है, यहाँ से जाएगी यहाँ से तो वो देख सकते है। दोस्तों ये होता है पहाड़ों का जीवन, इसको वहाँ ऊपर देख सकते ऐसे करके खड़े हो रखे मामी, तो सावधानी से करना पड़ता है। तो अब हम इसको उठाएंगे यहाँ पे नीचे से, चलो काम वाले ले, इसको खाली फोन चाहे, मैं इसको बोला इसको उठा नहीं उठाएगी, मेरे को बोल रही मेरे को नहीं आता, चलो उठाए इसको। तो यहाँ से अब हम इसको उठाएंगे, थोड़ा मामी के साथ हेल्प हो जाएगी यहाँ से, देख सकते हैं। तो अभी वहाँ पे ना पेड़ काट रही है मामी, आंचल वहाँ पे हेल्प कर रही है मामी के साथ। तो आप देख सकते हैं आंचल वैसे काफी काम करती है, बहुत ही अच्छी लड़की है, गुस्सा भी आ रहा है उस पर। तो यहाँ से खेत देख सकते हैं, वाह व्यू देख सकते सामने का कुछ इस तरह से। तो यहाँ से ये गांव देख सकते है, कंडाली गाँव। और ये देख सकते कितने रूखे सूखे खेत है यहाँ के, क्योंकि यहाँ गर्म इलाका है तो यहाँ बारिश भी कम होती है। खेत देख सकते हैं दोस्तों ऐसे कितने बारीक बारीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे कितने बारीक खेत है, मजा नहीं है इन खेतों में, यहाँ बस पेड़ पौधे होते ज्यादा। तो चलो दोस्तों हमने जो पेड़ था वो निकाल दिया, उससे चारा। और देख सकते हैं इस तरह से काटा जाता है उसको, ये मोटे डंडे डंडे होते हैं उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर जाना है हमने आगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे तक था, आज का ब्लॉग यहीं पे इन करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इन करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर जरूर करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। केदार घाटी कल्चर और मोटा कुछ कहना हो भाई का, इसकी हालत डाउन हो गई, यहाँ पानी की प्यास लग रही भयंकर, और इतना गर्मी हो रही है यहाँ आजकल भी, क्या ही बोले। तो यहाँ पे मामी उठा रही है, इसके बाद हम तुरंत घर चले जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, वाह जरूर करें, केदार घाटी कल्चर था। ओके बाय।